चुनाव है साहब, नेताजी को तय तो अपना भविष्य गन्ना है, लेकिन देश के बेहतर भविष्य का बहाना बनाकर मतदाताओं के सामने लमलेट पड़े हैं। ऐसे में ये उत्साही नेता कई बार जोश में होश भी खो बैठते हैं, लेकिन आचार संहिता में ये खोया हुआ होश जेल की दुखद यात्रा का योग भी बना सकता है। यही चूक विधायक दिलीप सिंह परियार और नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन साहब से भी हो गई। इन नेताओं ने आचार संहिता की एक बार नहीं बल्कि दो बार धज्जियां उड़ा दी। फिर क्या था, शिकायत पर मामला दर्ज होकर अदालत की दहलीज पर पहुंच गया। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ विधायक जी को भी सीधे सीख चौके पीछे रवाना कर दिया। पूरा मामला मध्य प्रदेश के नीमच का है, जहां भाजपा ने 23 मार्च को मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र से सुधीर गुप्ता को उम्मीदवार घोषित किया। सूचना मिलते ही अति उत्साही कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद शहर के चौराहों पर आतिशबाजी के साथ नारेबाजी भी शुरू कर दी। सांसद सुधीर गुप्ता को टिकट दिया गया, इस खुशी में जो नीमच के विधायक हैं परिहार जी और नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन को खुशी में इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए फवारा चौक में फटाखे छोड़े थे और जुलूस निकाला था। ऐसे में आचार संहिता के उल्लंघन के कारण मामला केंद्र थाने में पंजीकृत हुआ। चूंकि इन लोगों ने पूर्व में भी इस तरह का अपराध किया था, इसी के आधार पर जो है वो इनको कोर्ट में पेश किया, जहां से चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिस्टर नीरज मालवीय ने इनको पूर्व अपराध को देखते हुए इनको जमानत न देते हुए और जेल भेजने का ऑर्डर किया। मोबाइल की मेमोरी में ठसा हुआ सारा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। अंजाम यह हुआ कि उफ, विधायक जी बजाय चुनाव प्रचार करने के कोर्ट कचहरी की कार्रवाई में उलझ कर रह गए। खबर यह भी है कि नेताजी विधानसभा चुनाव में भी एक नहीं बल्कि दो दो बार आचार संहिता को ठेंगा दिखा चुके हैं। फिलहाल नेताजी को जमानत मिल गई, लेकिन बड़े सबक के साथ। तो थोड़ा सावधान नेताजी, सरकार बन जाए तो सारी हसरत पूरी कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल तो नियम से चलिए, नहीं तो सावधानी हटी और